চুরি চাওয়া স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করল নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ তাদের রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ আসছিল, সকালে প্রাত ভ্রমণের সময় কিছু দুষ্কৃতি বাইকে করে এসে গলার চেন টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভির ফুটেজ সহ দুইজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। একজনের নাম সমীর মিয়া ও অন্যজনের নাম বাপন নন্দী। সমীর মিয়ার বাড়ি ভাটি অভয়নগর ও বাপন নন্দীর বাড়ি মধ্য ভুবনবন এলাকায়। তারা দুজনে মিলে এই ধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনা সংগঠিত করছে। এরপরই তাদের দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই সাথে তাদের কাছ থেকে ১৩টি স্বর্ণের চেন, একটি কানের রিং, দুটি সিটি গোল্ড চেন, একটি বাইক ও একটি হাত ঘড়ি উদ্ধার করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫,০০০ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। সকালে প্রাত ভ্রমণের সময় একা মহিলাদের এরা টার্গেট করত আর এভাবে ছিনতাই করে আসছিল তারা। এদের নামে আগেও বিভিন্ন চুরির মামলা রয়েছে। পুলিশ রিমান্ডের পরে বেরিয়ে আসবে এদের সঙ্গে আর কে কে যুক্ত আছে এবং চুরি করা এই স্বর্ণালঙ্কারগুলি কার কাছে বিক্রি করত। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। एक्चुअली बहुत दिनों से पूरा टाउन एरिया में, जैसे कि चांदमारी है, SDO चौमनी, अभयनगर, जयनगर, राधानगर, प्रगति स्कूल और ये रामनगर, इस सब में एरियाज में कंप्लेंट आ रहा था कि कुछ बाइक में आके स्नैचिंग कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं लेडीज़, उनसे चेन स्नैचिंग करके जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO NCC एक टीम बनाया, उसमें अभयनगर का OC हेड कर गया था। वो बहुत दिनों से हमने पूरा CCTV कैमरा देख के, ह्यूमन इंटेलिजेंस देख के पता किया कि एक आदमी है और समीर मियां और बाबन नदी, ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। तो दोनों को हमने अरेस्ट किया और जब सर्च किया, समीर मियां के घर से अराउंड 13 गोल्ड चेन है और 2 सिटी गोल्ड है और एक ग्लैमर बाइक, एक रिस्ट वॉच, ये सब बरामद हुआ है। इसका टोटल मार्केट वैल्यू होगा अराउंड 15 लाख और एक ईयर रिंग भी। सर, इन लोगों को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है? इनके साथ कोई और है क्या, गैंग वगैरह कुछ? नहीं, पूरा बड़ा गैंग तो नहीं है, ये दोनों ही करते थे। मतलब ये टारगेट करते हैं, जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करते अकेले लेडीज जा रहे हैं, कोई रोड में नहीं है, तो सडनली आके चेन स्नैच करके चले जाते हैं। ये ऐसे ही मोटर्स ऑपरेट क्यों करते हैं और किस लिए करते, कुछ रीज़न मिला? नहीं, ऐसा नहीं है, चोरी के लिए, पैसे के लिए। घर कहाँ पर है इसका? एक तो समीर मियाँ का घर भाटी अभयनगर में है, बाबा नंदी का मध्य भुवन में है। चेन कहाँ से? इस समीर मियाँ का घर। अच्छा, कितने टाइम 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 कल 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 आफ्टरनून को। इनके नाम पे पहले भी कुछ कंप्लेन है? हाँ, मतलब रिकॉर्ड है, थोड़ा छोटा मोटा चोरी है सर। तो बापन मंदिर के नाम पे तो पहले भी बहुत कुछ, हाँ, बाइक चोरी चोरी का कंप्लेंट है, तो इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया था इनको। तो जब हमने CCTV देखा तो ये मिल रहा था इसका फेस, तो हमें इजीली आइडेंटिफाई होने में मदद। ये दोनों ही इसके साथ और कोई है? और अभी इनको रिमांड में लेके आए थे, अभी तो इतना ही इनने रिमांड किया है। अभी रिमांड में आने से और भी बताएंगे लोग क्या है इसका, ये कौन सेलर क्या है, किसको ये सेल करते हैं, कहाँ से पैसा लेते हैं और इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, सब आएगा। कितने दिन के रिमांड पे लेने का? हम लोग 7 दिन का रिमांड प्ले करेंगे, कोर्ट कितना देगा उसके। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज़।